साई की बात बच्चे, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं अपना वचन निभाऊंगा, तो मेरे बच्चे मैं निभाऊंगा और मैं निभा भी रहा हूँ। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, फिर तुम क्यों पीछे हट जाते हो? तुम मेरे सहारे की आस करते हो, तो मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ ना मेरे बच्चे, हर पल तेरे साथ हूँ तेरा सहारा बनकर, और मैं तुझे मौका भी देता हूँ और स्रोत भी, फिर भी तू पीछे बैठकर देखता रहता है, कुछ करना नहीं चाहता। क्यों मेरे बच्चे? मैं तो तेरा हाथ पकड़कर तुझे बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ, बहुत आगे तक। लेकिन मेरे बच्चे, कदम तुझे बढ़ाने होंगे। तू इस तरह से अगर रुका रहेगा तो फिर मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं भी वहीं रुक जाऊँगा। आगे तुझे बढ़ना होगा। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो मैंने वचन दिया है ना, उसका क्या होगा बताओ? तुम इस पृथ्वी पर कर्म करने आए हो, तुम्हें भेजा गया है कर्म करने से। लेकिन अगर तुम इस तरह बैठ जाओगे मायूस होकर, उदास होकर, तो कैसे चलेगा? तुम रोज़ इस भरोसे रहते हो कि नया रोज़ कोई चमत्कार हो, पर एक रोज़ प्रतिदिन एक आशीर्वाद है मेरा, रोज़ प्रतिदिन चमत्कार है मेरा। इसे तुम समझते नहीं हो, क्यों मेरे बच्चे? और तुम इतना नकारात्मक हो जाते हो मेरे बच्चे, कोई ज़रा सा तुम्हें डांट दे या भला बुरा कहे, तुम मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो, मरने की बातें करते हो और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हो, क्यों? और हमेशा पीछे बैठ जाते हो निराश होकर, क्यों मेरे बच्चे? मैं तो तेरे साथ हूँ और हमेशा जीने की आस छोड़ देते हो, क्यों? और हमेशा इस दुनिया से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हो, क्यों मेरे बच्चे? याद रख, मैं तेरा कोई भी कार्य बिगड़ने नहीं दूंगा, कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा। अगर तू एक कदम बढ़ाएगा ना अपनी तरफ से, तो तेरा साई 100 कदम बढ़ाएगा। विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। और सुन, जो बातें तेरे दिल और दिमाग पर हावी होती है ना, उसे कम कर। मैं हमेशा तेरा साथ देता आया हूँ और आगे भी दूंगा। और तू मुझसे कहता है ना कि साई अपने होने का प्रमाण दो, तो मैं तुझे किसी इंसान के रूप में नहीं दिखूंगा, तेरे आसपास नहीं होऊंगा, लेकिन इस वातावरण में तू मुझे महसूस करेगा, हर पल ये महसूस करेगा कि मैं तेरे करीब हूँ। अब तूने बहुत कर ली अपने मन की, रोना धोना हमेशा, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से करूँगा। अब मैंने तय कर लिया है, अब सब कुछ तेरे साई की मर्जी से होगा। अब मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा और तुझे भी आगे बढ़ाऊंगा, तुझे आगे बढ़ना होगा। सुन रहा है ना तू, तुझे आगे बढ़ना होगा। बस बहुत हुआ तेरे मन की, अब मैं अपने मन की करूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा आगे, और तुझे बढ़ना होगा। तेरा साई तुझे बहुत आगे तक ले जाएगा मेरे बच्चे, बहुत आगे तक। तुझे तो बहुत उन्नति करनी है, बहुत सफलता प्राप्त करनी है, और तेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवरेगी मेरे बच्चे। और सुन, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चों का विश्वास जो डगमगा रहा है ना, तो मेरे किसी बच्चे के संपर्क में जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास दोबारा से अटूट होगा। और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट होगा ना, तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूर्ण करूँगा। और जो तुम सुबह मुझे चाय पिलाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठंड में अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब तुम मुझे पिलाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तू तो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, मेरे हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखता है, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखता है ना, इसी तरह से मैं भी तेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। और सुन, तेरे आसपास कोई ज़रूरतमंद हो ना मेरे बच्चे, तो उसे गर्म वस्त्र देना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।